एक विचार आपके जीवन में भूचाल ला सकता है। चेंज योर थॉट एंड यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। एक विचार आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। एक विचार से आप जीरो से कामयाबी के बुलंदी तक जा सकते हैं और एक विचार से आप कामयाबी के बुलंदी से जीरो तक आ सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, आपके मन में आया हुआ एक विचार कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आज की इस वीडियो में एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका पूरा जीवन एक विचार से बदल गया। तो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। एक राक्षस था जिसने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा। राजा बिंबिसार से उसका बैर था। राजा ने उसका कुछ छीन लिया होगा जिसके वजह से उससे बैर था। उसके बाद वो पहाड़ी पे जाकर के रहने लगा था। जो भी उस रास्ते से गुजरता वह उसको मार देता। ऐसा करते करते उसने 999 लोगों को तक मार डाला। उसका डर पूरे के पूरे राज्य में फैला हुआ था। राजा तक उससे डरते थे। राजा ने बल्कि नियम लगवा दी, बैनर सटवा दिया कि उस रास्ते से कोई नहीं जाएगा, इस रास्ते से जाना निषेध है। यहाँ एक राक्षस रहता है जिसने 999 लोगों को मार चुका है। उसकी माँ कभी कभी उससे मिलने जाती थी, लेकिन जब उसने 999 लोगों को मार दिया तो उसकी माँ ने भी जाना छोड़ दिया कि क्या पता वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मुझे ही मार दे। एक दिन की बात है, उस राज्य में महात्मा बुद्ध आए और उसी रास्ते से अपने शिष्य के साथ जाने लगे। तो शिष्य ने कहा, तथागत, यहाँ जाना उचित नहीं है। यहाँ अंगुलीमाल नाम का एक राक्षस रहता है जिसने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया है और 999 लोगों को मार चुका है। आपका यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, कृपया आप अपना रास्ता बदल दीजिए। बुद्ध का जवाब सुनिएगा मेरे दोस्त, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बुद्ध ने कहा, अगर तुम ये नहीं बताते तो शायद मैं इस रास्ते से नहीं जाता, इस रास्ते को छोड़ देता। लेकिन जब तुमने बता दिया है तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। उसको मेरी जरूरत है और वो साधु ही क्या जो अपने रास्ते बदल दे। तुम चाहो तो लौट जाओ। और बुद्ध उस रास्ते पे आगे बढ़ने लगे। अंगुलीमाल ने जब बुद्ध को आते हुए देखा तो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, पूरा जीवन ये स्टोरी आपके काम आएगी। दूर से जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को आते हुए देखा तो प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। मैं 1000वां वध करूंगा और अपनी प्रतिज्ञा आज पूरा करूंगा। अंगुलीमाल जिस व्यक्ति को मार देता था उसके उंगलियों की माला अपने गले में पहनता था। बुद्ध जब पास आने लगे तो उसका तेज, उसकी चाल, उसकी प्रतिक्रिया, उसकी हाव-भाव, उसका इंप्रेशन पूरा देख करके अंगुलीमाल हिलने लगा। अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी तू रुक जा, हालांकि मैं प्रसन्न हूं, तू मेरा 1000वां शिकार है, आज मेरा प्रतिज्ञा पूरा हो जाएगा, लेकिन तू रुक, मैं तुम्हें मार दूंगा। बुद्ध बोले, तू भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय, देखते हैं कौन किसका वध करता है, मार दे। अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी तू रुक जा, तू रुक जा। इतनी बात करते करते बुद्ध अंगुलीमाल के सामने आ गया। अंगुलीमाल ने कहा, लौट जा सन्यासी, नहीं तो मैं मार दूंगा। बुद्ध ने कहा, तुझे लौटाने आया है। अंगुलीमाल ने कहा, डर नहीं लगता तुझे? उसने कहा, डर किस बात का?
मार दे, लेकिन एक शर्त है। उंगलिया माल ने पूछा क्या शर्त है? बुद्ध ने कहा एक टहनी है, देख रहे हो, कर दो इसे। उंगली माल अपने पास में खड़ग रखता था, उसने खड़ग उठाई और कर दिया। बुद्ध मन ही मन मुस्कुराए, चलो इस अवस्था में भी बात तो मान रहा है, यानी इसके परिवर्तन होने की चांसेस, परिवर्तन होने की संभावना है। बुद्ध ने कहा अब इस टहनी को जो तुम काटे हो इसे जोड़ दो। ये सुनकर उंगली माल का सन्यासी, तू कहीं पागल तो नहीं है? जो कट गया है उसे जोड़ा थोड़े ही जा सकता है। बुद्ध बोले यही तो मैं तुम्हें बोल रहा हूं, काटना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। तूने 999 लोगों को काट दिया, अब एक को जोड़ के बता। उंगली माल पूरी आंसुओं से भर गया, गले में जो माला पहनता था बुद्ध के चरणों में डाल दिया। बुद्ध पलटे और बिना बात किए हुए ही जाने लगे। बुद्ध को पता था कि ये मेरे पीछे आएगा, और उंगली माल बुद्ध के पीछे पीछे बुद्धम शरणम गच्छामि करता हुआ चला गया। विचार बदल गया और उंगली माल की पूरी जिंदगी बदल गई। एक विचार आपके जीवन को बदलने के लिए काफी है। जब 999 लोगों को मारने के बाद उसका विचार बदल सकता है, जीवन बदल सकता है, तो आपका तो पूरा जीवन बचा है। तो आज ही अपना विचार बदलिए और अपनी पूरी जिंदगी को बदल डालिए। थैंक यू मेरे दोस्त, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करें, सिर्फ सुन करके नहीं रहे। आई होप आपको जीवन में परिवर्तन जरूर होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।